नमस्कार, वीपीटी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 24 फरवरी को अमृतसर में होंगे। वे यहां भाजपा के प्रदेश भर के शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के सिलसिले में आएंगे। शाह के अमृतसर आगमन की तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक द्वारा जिले के प्रमुख भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। मलिक ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 24 फरवरी 12 बजे गोल्डन व्यू रिजॉर्ट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाह के नेतृत्व में पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसमें 11 करोड़ सदस्य, 350 से ज्यादा सांसद, 1500 से ज्यादा विधायक और 200 से ज्यादा मेयर बने हैं। दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने दुनिया के सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के गृह मंत्रालय और कोरिया की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के बीच संपन्न हुआ समझौता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के हमारे सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय भी बातों से आगे बढ़कर इस समस्या के विरोध में एकजुट होकर कार्रवाई करे। बता दें कि पीएम मोदी आज सियोल में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। अ कंट्री ऑफ 1.25 बिलियन पीपल इज गोइंग थ्रू अ ग्रेट ट्रांजिशन। इट इज चेंजिंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी to an economy led by industry and services, an economy that is close to one that is globally interlinked, an economy that is known for its red tape to one known for a red carpet. India has emerged as a land of opportunities. While we work for realizing the Indian dream, we seek like-minded partners, and among them we see South Korea is truly. पुलवामा आतंकवादी हमले को लेकर देश में व्यापक आक्रोश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समय आएगा जब लोगों की इच्छा और उम्मीदें पूरी होंगी। दिल्ली वेस्ट टू वंडर पार्क के उद्घाटन के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पुलवामा घटने के बाद ऐसा मूड अभी भी नहीं है कि कोई भी उत्साह के साथ किसी भी कार्यक्रम में भाग ले सकता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सीमा पार की जो आतंकवादी ताकतें हैं, आतंकवादी संगठन हैं अथवा आईएसआई, इनके साथ उनकी मिलीभगत है। और आतंकवाद की गहरी साजिश में ये ऐसे सारे लोग भी कुछ शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जम्मू कश्मीर की जनता के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, और खास तौर से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, कुछ ताकतें हैं। और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहां अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के, कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। जो भी आवश्यक निर्देश देने चाहिए वो आवश्यक निर्देश सारे अधिकारियों को दिया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे सुरक्षा के बलों का हौसला पूरी तरह से बुलंद है, और आतंकवाद के खिलाफ हम जो निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और इस हमारी निर्णायक लड़ाई के साथ पूरा देश पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। फिलहाल आज के लिए वीपीटी न्यूज में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।